अभी बज रहे हैं 3:30 बजे और एकदम भीड़ देखिए खाने का। दोस्तों आज है 7 जनवरी 2020 और अभी बज रहे सुबह के 9 और आज मेरा ऑफिशियल बर्थडे भी है और आज ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है हम लोग का गांव में, जो कि हम लोग का बाबा गोसाई मंदिर है वहाँ पे होता है हर साल, और मैं इसी ब्लॉग से स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो आज वो प्रोग्राम आज भी है। तो चलिए उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आज यहाँ पे बाबा गोसाई मंदिर का पूजा भी होगा, कुछ रिचुअल्स भी है और खाना पीने का भी बंदोबस्त है, खिचड़ी वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे सब दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं। तो अभी मैं बाबा गोसाई मंदिर के सामने हूँ और यहाँ पे सब प्रिपरेशन चल रहा है और यहाँ पे खाने वाने का सब बंदोबस्त हो चुका है और वहाँ पे मेगा किचन्स बन चुका है, खाना बन रहा है उधर, सब आएंगे भक्तों को खिलाया जाएगा। देखो कितना खाना बना, खिचड़ी सब्जी सब। तो भाई अभी बज रहे सुबह के 9:30। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ थोड़ा काम पे, तो काम भी करना है, फिर दोपहर का आऊँगा खाने के टाइम पे जब टिफिन टाइम होता है। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आप जो देख रहे, इतना बड़ा जो इंतजाम तैयारी आयोजन किया गया है, ये एक दिन में नहीं होता, ये पिछले रात से सब इकट्ठा होके मिल के जुगाड़ किया जाता है। तो चलिए आपको ले चलते पिछले रात का फ्लैशबैक में, देखने में बड़ा मजा आएगा।
तो दोस्तों बैक टू प्रेजेंट डे और अभी बज रहे सुबह के 11। तो अभी यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होने वाला है, कुछ प्रोग्राम वगैरह, तो टीम आ चुका है। तो भाई काम का वक्त काम और अभी खाने खाने का टाइम हो गया, लंच दोपहर के 2 और अभी जा रहा हूँ वहीं पे लोकेशन पे गोसाई मंदिर में और अभी वहाँ पे जाएंगे, खाएंगे गर्म गर्म खिचड़ी। तो खिचड़ी खाओ, हचपोच खाओ और मौज लो। और एक इन्फॉर्मेशन, जो मैं फर्स्ट वीडियो डाला था यूट्यूब में तो यहीं का डाला था, गोसाई मंदिर का, यही सेम फेस्टिवल 2 साल पहले 2018 में। तो हमारे यहाँ चेयर टेबल का भी बंदोबस्त है, जो बुज़ुर्ग है, जो लोग को बैठने में दिक्कत हो तो उसके लिए बंदोबस्त किया जाता है। तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, सब है सेटिंग, सब के लिए बंदोबस्त यहाँ पे है। अभी बज रहे हैं 3:30 और एकदम भीड़ देखिए खाने का। तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट 3:30 रहे हैं और यह है गोसाई मंदिर, अभी खाने का टाइम है और भीड़ देखिए। तो दिस साइड जेंट्स है और दिस साइड लेडीज। तो यहाँ पे अपने भाई लोग सब कैटरिंग का है, देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये लोग, सब खाना खिला रहे हैं सबको। और यहाँ पे बच्चे लोग पत्ता वत्ता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो सबको हाथ बटा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है प्रोग्राम। तो इधर जितने भी बैठे हैं सब लेडीज़ है और इधर सब जेंट्स, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। Thank you.
भाई ऑलमोस्ट 3:30-4 बजने चला और ये जो पूरा प्रोग्राम था ऑलमोस्ट कंप्लीट। बहुत अच्छा हुआ आज, लोग बहुत हुए थे और वेदर भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया एकदम, खाना पीना टेस्टी, तो भाई बहुत अच्छा हुआ। तो भाई लंच के बाद मैं काम पे चला गया, थोड़ा बिजी हो गया था और ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया, तो फाइनली सब काम ख़त्म करके सब कुछ निपटा के घर वापस आया, तो मैं ब्लॉग को एंड करूँगा। और आज का दिन इतना अच्छा गया, मतलब सबको इतना खुशी था, मतलब कि क्या बोले, मतलब वेदर इतना अच्छा था, खाना इतना अच्छा था, जो रिचुअल्स हुआ प्रोग्राम सब कुछ एकदम परफेक्ट। और ऐसा ऐसा बीच बीच में प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए ताकि एक मतलब खुशियाँ बटे, मतलब मौज होना चाहिए ज़िंदगी में, मतलब इससे क्या होता है कि एक अच्छा लव स्प्रेड होता है, हैप्पीनेस और एक बॉन्डिंग, मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं ब्रदरहुड, तो ये चीज़ होना चाहिए। और आज ही का दिन, मतलब 2 साल पहले 2018 में यही गोसाई मंदिर का यही इवेंट का फर्स्ट मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला था, और उसके बाद 2019 में एक वीडियो डाला था, आज है 2020, मतलब आज भी मैंने एक वीडियो बनाया। और आज ही का दिन इसी इवेंट का यही सेम चीज़ में मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, मतलब कि एक जैसा कि कोइंसिडेंस जैसे लग रहा है, मतलब कि सब मैच कर जा रहा है। और जो न्यू ईयर है बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब एक के बाद एक गुड न्यूज़ आते जा रहा है और सब कुछ मतलब स्मूथली जा रहा है। तो बस जस्ट हार्ड वर्क करते रहो, बस यही चाहिए, और खुशियाँ बांटो, एंजॉय करो, काम भी करो और मौज मिलो ज़िंदगी का। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वेरी सून, टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय, गुड नाइट, बी हैप्पी।